नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ सेक्स के बारे में, जो कोई गलत फहमियाँ हैं, मिथ्स है उसके बारे में। गलत फहमियाँ वो है कि गंदा टॉयलेट यदि रहा तो गंदा टॉयलेट का इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो वहाँ से गुप्त रोग हो सकता है क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ STD हो सकता है क्या, या HIV हो सकता है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही गलत फहमियाँ लोगों के बारे में, गंदा टॉयलेट का और STD का या गुप्त रोग का कुछ संबंध नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ है कि भाई आपको कोई जख्म हो चुकी है और वहाँ कहीं संपर्क आता है आपका, गंदा टॉयलेट है, वहाँ कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है, ख़राब है, और वहाँ आपका कोई टच हो जाता है तो वहाँ से तो फिर कुछ भी संभव है। तो वैसा अदरवाइज़ गंदे टॉयलेट से कोई गुप्त रोग होता नहीं है। फिर दूसरा जो गलतफहमी है कि पीरियड्स में सेक्स करते हैं तो फिर बच्चा नहीं होगा, ऐसा है गलतफहमी है। देखो, पीरियड्स में सेक्स करते तो ज़्यादातर बच्चे होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 100% बच्चा होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जिनके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर है, और इरेगुलर पीरियड्स में यदि साइकिल उनकी इरेगुलर है, और समझो चौथा दिन है और चौथे दिन में संभोग करते हैं, अब वो जो स्पर्म अंदर गिरे हुए हैं वो हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन जीवित है, इधर वो स्त्री के पीरियड्स जो है वो इरेगुलर है, और खुदा ना खास्ता उसी समय जल्दी ओव्यूलेशन हो जाता है 2-3 दिन के बाद में, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो पीरियड्स एकदम सेफ है ऐसा नहीं है, वो पीरियड्स में सेक्स किया तो प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर नंबर 3 का जो गलतफहमी है कि बहुत ज़्यादा सेक्स किया तो वजाना लूज हो जाता है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वजाना ये इलास्टिक ऑर्गन है, इतना बड़ा बच्चा पैदा हो जाता है, इतना बड़ा सिर उससे बाहर निकल जाता है, तभी भी वजाना लूज नहीं होता है, तो सेक्स करने से तो लूज होने का संभव है नहीं। नंबर 4 जो है वो है ओरल सेक्स, कि ओरल सेक्स से प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ओरल सेक्स से बिल्कुल प्रेगनेंसी होगी नहीं है। ओरल सेक्स में यदि सीमेन मतलब वीर्य मुंह में गिर जाता है और वो पेट में जाता है स्त्री के, तो उससे कोई प्रेगनेंसी होने का कुछ भी संभव नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, उसमें होता ही नहीं है। 5वां जो है वो है हस्तमैथुन के बारे में, कि हैंड प्रैक्टिस करना गलत है, हैंड प्रैक्टिस से लिंग टेढ़ा दुबला पतला ऐसा हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंड प्रैक्टिस यह जो है नॉर्मल प्रक्रिया है, नो फैप मूवमेंट जो है वो गलत है। वीर्य अंदर रोकने से कुछ ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर 6वां जो है वो है कि बाहर डिस्चार्ज यदि करते हैं, बाहर डिस्चार्ज तो फिर प्रेगनेंसी होंगी नहीं, तो ऐसा भी ये गलतफहमी है। देखिए, बाहर मतलब इजैकुलेशन, जब वीर्य स्खलन होता है उस समय लिंग बाहर निकाल लिया और उस समय बाहर निकाल के डिस्चार्ज बाहर कर लिया तो फिर प्रेगनेंसी होंगी नहीं, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है, हरकत नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं होंगी, मगर होता क्या है कि प्रीकम जो पहले चिपचिपा पानी आता है उसमें भी स्पर्म्स हो सकते हैं, और वो यदि चिपचिपा पानी में स्पर्म्स है और उस समय यदि लिंग का योनि में प्रवेश होकर आप सेक्स करते हो, इंटरकोर्स करते हैं, और इजैकुलेशन के समय आप बाहर निकाल लेते हैं, तो पहले तो स्पर्म्स अंदर गए हुए हैं और वो स्पर्म से प्रेगनेंसी होने की संभावना बन सकती है। तो यह मैंने आपसे गलत फहमियाँ जो है सेक्स के बारे में, उसके बारे में चर्चा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, क्योंकि बहुत गलत फहमियाँ हैं और उससे लोग बहुत परेशान हैं। इसमें फिर परेशानी बच्चा होने की, नहीं होने की, सभी परेशानियाँ हैं, तो ये लोगों का सेक्स एजुकेशन इसमें हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है,
उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।